रंग संयोजनाएं। पहली, सादृश्य रंग संयोजना। यह रंग संयोजना रंग चक्र पर आसपास स्थित रंगों का उपयोग करने से प्राप्त होती है। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, लाल हल्का बैंगनी तथा बैंगनी रंग, इनमें रंगों को वर्ण क्रम पर यदि पूर्णतः अलग न रखा जाए तो यह मिश्रित हो जाते हैं और रंगों के मिलने पर टकराने से बेचैनी तथा उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है। रंग चक्र पर एक दूसरे के निकटवर्ती रंगों का विवेकपूर्ण मात्रा में प्रयोग सच्ची योग्यता एवं विस्तार प्रस्तुत करता है। सादृश्य रंग योजना में तीन रंगों का प्रयोग होता है जो रंग चक्र पर एक दूसरे के बाद क्रम में स्थित होते हैं। वे सामान्यतः अनुरूप होते हैं तथा शांतिपूर्ण एवं आरामदायक डिजाइन बनाते हैं। सादृश्य रंग योजनाएं प्राय प्रकृति में पाई जाती हैं तथा हमारी आंखों को सुंदर तथा आरामदायक प्रतीक होती हैं। इन रंगों के रंगत तथा टिंट भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। सादृश्य रंग योजना बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त विरोध उपलब्ध है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इसमें प्रथम चित्र में सादृश्य रंग तथा दूसरे चित्र में सादृश्य रंग संयोजना का चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे पर्याप्त विरोधाभास स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, एक मुख्य रंग, दूसरा सहायक रंग तथा तीसरा इसको बढ़ावा देने वाला रंग ही चुनें। आइए हम विरोध तथा एसेंट का अर्थ दोहराएं। विरोध यानी कंट्रास्ट, इसमें भिन्न भिन्न विरोधी रंग पृष्ठभूमि के रूप में एक दूसरे रंग को उभारने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एसेंट, इसमें विस्मित करने वाले मूल्य के लिए एक रंग के क्रम तथा तीव्र विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है। यह विपरीत प्रभाव विपरीत रंग के हल्के और गहरे शेड, चमकदार और धुंधले, हल्के गर्म और ठंडे रंग, शुद्ध तथा मिश्रित रंगों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है।